अनलॉक में जहां एक और अपराध बढ़ रहे हैं तो वहीं पुलिस की सजगता से अपराधों पर अंकुश भी लग रहा है। गुरुवार दोपहर को थाना चिमनगंज मंडी का पुलिस बल थाना क्षेत्र में चोरी के आरोपियों की तलाश में सर्चिंग कर रहा था। सर्चिंग के दौरान पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। यहां शंकरपुर क्षेत्र में श्री नवकार पार्क कॉलोनी के पीछे भट्टी लगाकर कच्ची शराब बनाई जा रही थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो भट्टी पर शराब उबल रही थी, साथ ही करीब 8 ड्रमों में शराब बनाने की सामग्री रखी हुई थी और 4 ड्रम खाली रखे थे। हालांकि मौके पर कोई मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि पुलिस को आता देख शराब बनाने वाले भाग निकले। पुलिस ने क्षेत्र में पूछताछ कर शराब बनाने में शामिल आधा दर्जन महिलाओं को थाने भिजवाया। यहां दबिश देने वाली टीम में सब इंस्पेक्टर आरसी सोलंकी, आरक्षक श्याम वरंस, शैलेश, अनिल, चंदन सिंह, महिला आरक्षक प्रभा और पूजा मौजूद रहे। आज शंकरपुर उपाधि डेरा में पुलिस द्वारा दबिश दी गई थी, जिसके अंदर शराब बनाने की फैक्ट्री के साथ में 143 लीटर देशी शराब जब्त की गई है। घटनास्थल से आरोपी जयराम को गिरफ्तार किया गया है, बाकी जांच जारी है।